डॉक्टर गजानन का घर शहर की भीड़ भाड़ से दूर थोड़ा सुनसान इलाके में था। घर पहुंचकर कॉल बेल का बटन दबाया, थोड़ी देर रुके, फिर ऊंची आवाज में चिल्लाए, बंका दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला, बंका सामने था। उससे बोले, प्रणाम करो, प्रोफेसर पांडे हैं ये। फिर प्रोफेसर पांडे से कहा, ये बंका है, मेरा सेवक है। तो बांके बिहारी, मगर मैं बंका कहता हूं इसे, छोटा नाम ठीक लगता है ना। तब तक बंका दोनों के सूटकेस लेकर भीतर चला आया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर गजानन प्रोफेसर पांडे को अपनी प्रयोगशाला में ले गए। उन्हें अपने अनुसंधान के बारे में बताया। प्रयोगशाला में अनेक प्रकार के उपकरण थे। एक कोने में पारदर्शी चैम्बर नुमा चीज की ओर संकेत करके बोले, ये देखो प्रोफेसर, ये है मेरा काल यंत्र। पास जाकर प्रोफेसर पांडे ने देखा, वह कांच के चैम्बर की तरह का एक यंत्र था। भीतर मीटर और सुइयां चमक रही थी, रंगीन रोशनी के छोटे छोटे बल्ब जल और बुझ रहे थे। वे कौतूहल से उस यंत्र को देख रहे थे कि डॉक्टर गजानन ने कहा, इतिहास के किस काल की सैर करना चाहेंगे पांडे जी, वही मुगलों का सल्तनत या कुछ और? नहीं डॉक्टर गजानन, जब इतिहास में झांकना ही है तो फिर मुगल साम्राज्य को ही देखा जाए। डॉक्टर गजानन हंसे, साम्राज्य नहीं पांडे जी, साम्राज्य का एक दिन। बताइए कौन से बादशाह के शासनकाल में चलना है? प्रोफेसर पांडे ने क्षण भर सोचा, फिर बोले, तो चलिए जहांगीर के महल में चलते हैं, 17वीं शताब्दी के आसपास। बात बंका के कान में पड़ गई। चलने की बात सुनते ही गिड़गिड़ा कर डॉक्टर गजानन से बोला, आप कहाँ चल रहे हैं साहेब, हमहू चलना चाहते हैं। डॉक्टर गजानन ने हंस कर कहा, बंका तुम वहां चलकर क्या करोगे, हम बादशाह जहांगीर के दरबार में जा रहे हैं। बंका ने कहा, तब तो हमरा जरूर ले चलब साहेब, हम कोनो राजा का दरबार नहीं देखे हैं अब तक, ले चलिब हजूर, हम अकेले बहुत उब जाते हैं घर में। अच्छा अच्छा, तो चलो तुम्हें भी साथ ले चलते हैं, डॉक्टर गजानन ने कहा। और अपने काल यंत्र का द्वार खोलकर उन्होंने प्रोफेसर पांडे और बंका को भीतर आने का संकेत किया। डॉक्टर गजानन ने यंत्र के बटन दबाकर समय सेट किया, फिर प्रोफेसर पांडे की ओर देखकर पूछा, तो चलें? प्रोफेसर पांडे के हामी भरते ही डॉक्टर गजानन ने कहा, शुभ यात्रा, बॉन वॉयज। और काल यंत्र अचानक हरकत में आ गया। प्रोफेसर पांडे को लगा जैसे पूरा काल यंत्र तेज गति से घूम रहा। फिर काल यंत्र की पारदर्शी दीवारें जैसे अदृश्य हो गई, सब कुछ धुंधला पड़ गया। बंका ने चौंक कर पूछा, अरे कहाँ आ गए साहब, ये कौन जगह है? वो देखो साहब, कमर पर छोटी छोटी धोती लपेटे पगड़ी बांधे लोग घूम रहे। प्रोफेसर पांडे बोले, किसी से पूछना चाहिए। पूछने के लिए काल यंत्र से बाहर निकलना होगा, इसके भीतर हमें कोई देख नहीं सकता, क्योंकि मैंने समय में क्षण भर का अंतर रखा है। काल यंत्र के भीतर और इसके बाहर के समय में चंद सैकड़ों का अंतर है। बंका तुम सावधानी से बाहर निकलकर पूछो, ध्यान रहे कोई गड़बड़ी ना हो, कोई चीज छेड़ना नहीं, हम बीते हुए समय में हैं। डॉक्टर गजानन ने आगाह करते हुए बंका को काल यंत्र से बाहर भेजा। बंका बोला, नहीं साहेब, हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, अब ही पूछ के आते हैं। बाहर निकलकर बंका ने सामने जाते हुए आदमी की ओर हाथ हिलाकर पूछा, सुनो भैया, ये कौन जगह रही? आदमी ठिठक कर बोला, क्या परदेसी हो? हाँ परदेसी है, हम बंका है भैया, आगरा से आ रहे हैं। उस आदमी ने कनखियों से इधर उधर देखा और बोला, चुप चुप धीरे बोलिए हुजूर, कोई सुन लेगा, ये अकबराबाद है, बादशाह सलामत के अब्बा हुजूर ने रखा है ये नाम। कहाँ जाना है आपको? वो जहांगीर साहब से मिलना है, बंका अकड़ कर बोला। जहांगीर साहब? कौन जहांगीर साहब? अरे बादशाह जहांगीर और कौन, बंका बोला। आदमी सर पका गया, बोला, हैं तो महल में जाइए हुजूर, वो उधर है बादशाह सलामत का किला।
डॉक्टर गजानन बेचैन हो उठे। उन्होंने काल यंत्र के समय को बाहर के समय के साथ मिलाया और पारदर्शी द्वार सरकार कर चिल्लाया, बंका वापस आ, उतना ही पूछो जितना कहा है। फिर प्रोफेसर पांडे से बोले, हम सैकड़ों वर्ष पीछे मुगल काल में घूम रहे हैं, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। बंका के आने पर उससे पूछा, क्या कहा उस आदमी ने? कहता है अकबराबाद है, किला उधर है। ठीक कहता है, बादशाह अकबर ने इसका नाम अकबराबाद रख दिया था, लेकिन लोग दबी जुबान से इसे आगरा ही कहते रहे। क्यों, ठीक कह रहा हूँ प्रोफेसर? डॉक्टर गजानन ने पूछा। प्रोफेसर पांडे ने कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चलो शुक्र है हम आगरा में ही हैं। तो अब चलिए किले में चलते हैं, जहांगीर के महल में। डॉक्टर गजानन ने काल यंत्र का रुख किले की तरफ मोड़ दिया और कुछ ही क्षणों में वे किले के भीतर पहुंच गए। बंका की आंखें फटी रह गई, आश्चर्य से चारों ओर देखकर कहने लगा, अरे अरे ये हम क्या देख रहे हैं साहब? चुप बंका, जो दिखाई दे रहा है उसे चुपचाप देखो, डॉक्टर गजानन ने उसे झिड़का और फिर प्रोफेसर पांडे से बोले, हाँ तो पांडे जी लीजिए, यह रहा आपका इतिहास, देखिए। प्रोफेसर पांडे चकित और अभिभूत होकर जैसे अपने आप से बोल रहे थे, वाह कितनी शानो शौकत, कितना वैभव, कितना सुंदर, कितना भव्य है सब कुछ। तभी कहीं घंटियां टुनटुनाई, कई घंटियां एक साथ। प्रोफेसर पांडे चौंक उठे, डॉक्टर गजानन का हाथ हिलाकर बोले, ये घंटियां लगता है ये जहांगीर की न्याय की जंजीर की घंटियां बज रही हैं। किसी फरियादी ने शायद न्याय मांगने के लिए अपनी अर्जी न्याय की जंजीर के दूसरे सिरे पर टांग दी है। इसका मतलब है जहांगीर के न्याय की जंजीर थी। आप फिर इतिहास की किताब पढ़ने लगे प्रोफेसर? अरे भाई थी नहीं है, आप बादशाह जहांगीर के महल में हैं। यह देखिए न्याय की जंजीर किले में उस दीवार पर बंधी है। और यह नौबत, नौबत क्यों बज रही है सुनो, डॉक्टर गजानन ने कहा और कान लगाकर सुनने लगे। किसी फरियादी को झरोखा दरबार में पेश करने की मुनादी की जा रही थी। प्रोफेसर पांडे ने डॉक्टर गजानन को बताया, बादशाह जहांगीर झरोखा दरबार में लोगों की गुहार सुनता था और अपना फैसला सुनाकर न्याय करता था। तभी उनकी नज़र फरियादी पर पड़ी, वह कोई औरत थी, साथ में 6-7 साल का बच्चा था। सिपाही उन्हें साथ ला रहे थे, झरोखे के पास दरबार लग रहा था। प्रोफेसर पांडे डॉक्टर गजानन के कान में फुसफुसाए, दरबार में काजी, मुफ्ती और दूसरे साहब मौजूद रहते हैं। डॉक्टर गजानन ने प्रोफेसर पांडे को फिर टोका, तभी पहरेदार चिल्लाया, बा अदब बा मुलाइजा होशियार अबुल मुजफ्फर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी तशरीफ ला रहे हैं, होशियार। तभी मुझ साहब सिर झुकाकर खड़े हो गए और झुककर कॉर्निश बजाने लगे। बादशाह जहांगीर दरबार में आकर बैठे और उन्होंने फरियादी को पेश करने का हुक्म दिया। फरियादी औरत बच्चे के साथ पेश हुई। काजी ने कहा, फरियादी बादशाह गाजी के सामने तुम अपना बयान दे सकती हो? औरत ने दोनों हाथ बादशाह की ओर फैलाकर कहा, बंदा परवर, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं गरीब बेवा औरत हूँ, मेरा कोई नहीं है, वह सुबकने लगी। तब शहंशाह जहांगीर ने स्वयं कहा, रो मत फरियादी, अपनी बात कहो, तुम्हारा कोई कैसे नहीं है, खुदा है या बच्चा है? औरत ने बच्चे को सीने से लगा लिया और बोली, हाँ खुदावंद, मगर मेरी बात कोई नहीं सुनता, यह गरीब मजदूर का बेटा है, मजदूर का इंतकाल हो गया है, मैं बच्चे को पालना चाहती हूँ, गोद लेना चाहती हूँ हुजूर। तभी मुफ्ती ने कहा, जहाँ पना यह बच्चा दूसरे मजहब का है। जहांगीर ने कहा, तो क्या हुआ, क्या फरियादी दूसरे मजहब के बच्चे को अपने बच्चे की तरह नहीं पाल सकती?
दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह जहांगीर ने क्षण भर सोचा और कहा, हमें वह वाकया याद आ रहा है जिसे हमने अपने रोजनामचे में लिखा है। काजी ने अदब के साथ पूछा, कौन सा वाकया हुजूर? बादशाह ने उस घटना को याद करते हुए कहा, हम गुजरात में थे, हमने दोहद में पड़ाव डाला था। पहलवान बदाउद्दीन बंदूकजी एक लंगूर का बच्चा और बकरी लेकर हाजिर हुआ। बोला, हमारे एक बंदूकजी ने लंगूरनी को निशाना बनाकर मार डाला। पूरा दरबार खामोशी से बादशाह की बात सुन रहा था। बच्चा अपनी माँ के लिए बुरी तरह चीखने लगा। बहाउद्दीन उसे पेड़ से उतार लाया। पड़ाव में आकर उसने भूख से तड़पते बच्चे को बकरी के पास छोड़ दिया। वह लंगूर के बच्चे को चाटने लगी ऐसे जैसे उसी का बच्चा हो, फिर उसे दूध पिलाने लगी। अच्छा हुजूर, मुफ्ती ने ताज्जुब से कहा, लंगूर के बच्चे को तो दूध की ज़रूरत थी मगर वह बकरी? दूसरी नस्ल का जानवर होने के बावजूद बकरी ने उसे अपना बना लिया, क्या हमें इसे सबक नहीं लेना चाहिए? बादशाह जहांगीर ने वाकया सुनकर सवाल किया। मुफ्ती, काजी और दूसरे मुसाब एक साथ बोले, फरियादी, यह बच्चा अब तुम्हारा है, इसकी परवरिश के लिए शाही खजाने से मदद की जाए, यह हमारा हुक्म है। उधर जहांगीर ने अपना फैसला सुनाया और इधर डॉक्टर गजानन कार यंत्र की दिशा मोड़कर किले के भीतरी हिस्सों की ओर ले चले। प्रोफेसर पांडे उन्हें बताते जा रहे थे कि इस किले को शहंशाह अकबर ने बनवाया। लाल पत्थरों से बना जहांगीरी महल धूप में बेहद खूबसूरत लग रहा था। विकार यंत्र में बैठकर काफी देर तक किले के भीतर घूमते रहे। सामने हरा भरा सुंदर बाग था। उस ओर संकेत कर डॉक्टर गजानन अचानक बोले, वो देखो प्रोफेसर, बादशाह सलामत मलिका नूर जहां के साथ बाग की ओर जा रहे हैं। प्रोफेसर पांडे ने बाग की ओर देखा और कुछ याद करते हुए बोले, डॉक्टर गजानन, मेरा ख्याल है यह आरामगाह मुकदस है, यहीं आगे चलकर अंगूरी बाग कहलाया, देखिए वे अंगूर की बेलें, देखिए देखिए साहेब, वे तो सरसों के जोड़े के पास रुक गए हैं, बंका ने कहा। प्रोफेसर पांडे बोले, सारसों से बहुत लगाव था जहांगीर को। डॉक्टर गजानन, कभी तुजुके जहांगीरी ज़रूर पढ़िएगा, उसमें जहांगीर ने सारसों के दाम्पत्य प्रेम के बारे में बड़ी मार्मिक बातें लिखी हैं। सारस अपने जीवन काल में एक बार ही जोड़ा बनाता है और वे एक दूसरे के लिए जान दे देते हैं। अरे हाँ, सारसों का यह जोड़ा तो जहांगीर के लैला मजनू का जोड़ा होगा। लैला मजनू? डॉक्टर गजानन ने पूछा। हाँ, लैला मजनू जहांगीर के सारसों के पालतू जोड़े का नाम था। उनके बारे में भी उसने तुजुके जहांगीरी में लिखा है, आप ज़रूर पढ़िए। पढ़ूंगा, लेकिन फिलहाल जहांगीर को यह सब लिखने दीजिए प्रोफेसर, कहकर डॉक्टर गजानन ज़ोर से हंस पड़े। तभी बंका ने चिरौली की, साहेब, हमारे बड़े भाग वहाँ बादशाह जहांगीर बेगम नूर जहाँ सिपाही दरबारी तो देखत रहे, लेकिन महल के भीतर कुछो ना देखी, कोनो कमरा जेवरात खजानों कुछो नहीं। हम सुने हैं साहेब, ये राजा महाराजा लोगन के पास लाखों रुपया के जेवर हुआ रही, का हम देख सकत हैं साहब? देख सकते हो मगर बंका छू नहीं सकते, समझे? इसलिए नहीं छू सकते कि अगर वहाँ कुछ गड़बड़ी हो गई तो उसका असर हमारे जमाने पर पड़ेगा, डॉक्टर गजानन ने कहा। नहीं साहब, हम कछू नहीं छुएंगे, बंका कानों पर हाथ रखकर बोला। तो ठीक है, चलो महल के भीतर चलें। काल यंत्र महल के भीतर उतरा। प्रोफेसर पांडे ने चारों ओर देखा और धीरे से बोले, यह तो खाबगाह लगती है। खाबगाह? डॉक्टर गजानन ने पूछा। हाँ, मेरा मतलब है बेडरूम, देखिए यह बेशकीमती बिस्तर, प्रोफेसर पांडे ने संकेत करते हुए कहा।
डॉक्टर गजानन ने कहा, लगता है यहाँ भी कोई नहीं, हम काल यंत्र से निकलकर घूम सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे किसी के आने से पहले ही हमें काल यंत्र के भीतर आना होगा। कोई अचानक आ जाए तो हम घबरा कर भागे नहीं, हम अतीत में यहाँ किसी को छोड़कर नहीं जा सकते। प्रोफेसर पांडे कमरे की हवा में गहरी सांस लेते हुए बोले, वाह गुलाब की भीनी खुशबू, डॉक्टर गजानन हो न हो या बेगम नूर जहाँ की खाबगाह है, गुलाब के इतर की खुशबू है और गुलाब का इतर नूर जहाँ ने ही इजाद किया था। उससे पहले तो उसे कोई जानता तक नहीं था। हो सकता है प्रोफेसर, अच्छा ज़रा इस झरोखे से उस पार देखो और इतिहास को याद करो, रहस्य से मुस्कुराकर डॉक्टर गजानन ने कहा। प्रोफेसर पांडे ने झरोखे से उस पार देखा, चारों ओर हरे भरे पेड़ दिखाई दिए, बीच में साफ सुथरी नदी बह रही थी। प्रोफेसर पांडे क्षण भर उस दृश्य में खो गए। डॉक्टर गजानन की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। क्या सोचने लगे प्रोफेसर, इस हरे भरे दृश्य में भी कुछ खाली खाली नहीं लग रहा है डॉक्टर गजानन? डॉक्टर गजानन चौंक पड़े, बोले, बिल्कुल लग रहा है प्रोफेसर, ताजमहल के बिना यमुना का किनारा सूना सूना सा लग रहा है। ताजमहल तो तब था ही नहीं, ताजमहल तो तब था ही नहीं। ठीक है चलते हैं, लेकिन बंका, बंका कहाँ है बंका? डॉक्टर गजानन ने घबरा कर आवाज़ दी। आया साहेब, बगल के कमरे से आवाज़ आई। कहाँ गए थे, तुम मना किया था? यही था साहेब, तेरी बगल के कमरा माँ झाँकत रही, वहाँ तो कितना सुंदर कपड़ा जेवरात या मोती है साहेब, वह झिझकते हुए बोला। प्रोफेसर पांडे ने कहा, तोशा खाना होगा? डॉक्टर गजानन ने पकड़ कर पूछा, कुछ छेड़ा तो नहीं? बंदर ने सब पका कर कहा, नहीं साहेब। ठीक है चलो चले यहाँ से, डॉक्टर गजानन ने कहा और काल यंत्र से यमुना तट पर ले गए, काल यंत्र को यमुना तट पर ले गए। प्रोफेसर पांडे ने पेड़ों की ओर गौर से देखा और बोले, इतनी हरियाली और घनी छांव, कौन सोच सकता है था कि इस इलाके में इतनी हरियाली होगी। हरियाली की बात कर रहे हो प्रोफेसर, इनका दम्ब तमाल और नीम के पेड़ों को देखो, आपके इतिहास में तो बता पता नहीं, विज्ञान में हमें पढ़ाया गया था कि 84 क्रोस में फैले पूरे ब्रह्म मंडल में पहले कदम और दूसरे तमाम पेड़ों के घने वन थे, घनी झाड़ियाँ और कुंज थे, पशुपालन का वह सबसे बड़ा इलाका था। उन्हीं वन कुंजन माँ कृष्ण जी, बलराम भैया और ग्वालन बालन के संग गैयत चरावत रहे मुरली की टेल पर, बंका बोला और बैठने की जगह बैठने लगा। प्रोफेसर पांडे ने गजानन से पूछा, तो कहाँ गए वे घने जंगल? अचानक डॉक्टर गजानन चीखे, बंका बंका यह क्या कर रहे हो तुम? उन्होंने झपट कर गुस्से में बंका का हाथ पकड़ लिया। बंका बोला, बैठने की जगह बना रहा था साहब। डॉक्टर गजानन चिल्लाए, कदम्ब का वह पौधा तोड़ डाला तुमने, अब क्या होगा? चलो बैठो काल यंत्र। प्रोफेसर पांडे ने कहा, माफ कर दीजिए, छोटा सा पौधा ही तो तोड़ा है उसने। एक पौधा? डॉक्टर गजानन उसी तरह कोर में भर कर बोले, आप जानते हैं इसने कितना बड़ा अपराध कर डाला है? प्रोफेसर कदम का यह पौधा बड़ा हुआ होगा, इसमें वर्षों फूल खिले होंगे, हजारों बीज बने होंगे, उन बीजों में से हो सकता है कदम के सैकड़ों भरे पेड़ बने होंगे, इसने इन सभी पेड़ों को एक झटके में नष्ट कर लिया है, बेवकूफ़, और आप कह रहे हैं इसे माफ़ कर दीजिए? चलिए हमें फौरन नाम वापस लौट जाना चाहिए, फौरन वापस लौट जाना चाहिए इससे पहले कि कोई और गलती ना हो जाए।
प्रोफेसर पांडे चकित रह गए। इस तरह तो उन्होंने सोचा ही न था। काल यंत्र के भीतर सब कुछ धुंधलाया और वे वापस वर्तमान समय की ओर चल पड़े। काल यंत्र सूखी रेत में उतरा, पास ही भूरा मटमैला हाँफता हुआ गधाता हुआ पानी बह रहा था। वे काल यंत्र से बाहर निकले। प्रोफेसर पांडे ने पूछा, यह हम कहाँ आ गए डॉक्टर गजानन? वहीं थे, वहीं हैं जहाँ थे, यमुना के उसी तट पर, मायूस होकर डॉक्टर गजानन ने कहा। वहीं? मैं समझा नहीं। प्रोफेसर पांडे ने पूछा, वही जगह है, उधर सामने देखो, ताजमहल के पीछे हैं हम, उधर दाईं और दूर आगरा के किले की प्राचीर और वीरान बुर्जियाँ दिख रही हैं। लेकिन यह रेत, वे इतने पेड़ और झाड़ियाँ, सब इतिहास बन गए हैं प्रोफेसर। पिछले 500 वर्षों में बंका जाने कितने ना समझ लोगों ने पेड़ पौधों को काट डाला। एक एक पेड़ के साथ उसकी आगे उगने वाली पत्तियाँ नष्ट हो गई। परिणाम आपके सामने है प्रोफेसर। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं होता, वह भविष्य का एक पूरा जंगल होता है। समझ गया डॉक्टर गजानन, प्रोफेसर पांडे ने दर्द के साथ कहा और चारों तरफ देखा। रेत ही रेत, बीच में मैली यमुना के की कटी फटी धाराएं, उनमें बहता गधाता कचरा। उन्होंने जेब से रुमाल निकालकर नाक पर रख लिया। डॉक्टर गजानन ने देखा और कहने लगे, यमुना का जल निर्मल और सदा बदबूदार पानी। कहाँ यमुना का यह जल निर्मल और यह गंदा बदबूदार पानी? यह सब हमारी ही करतूत है। मिलों और फैक्ट्रियों का जहर खुल चुका है। शहर शहर के गंदे नाले इसमें कूड़ा कचरा और गंदगी भर रहे हैं। पवित्र यमुना को हमने अपवित्र बना दिया है। चलिए वहाँ से चलेंगे। उन्होंने काल यंत्र को अपनी प्रयोगशाला के लिए रवाना किया। प्रयोगशाला में लौट आने पर डॉक्टर गजानन ने कहा, तो अब लौट आए मेरी प्रयोगशाला में सही सलामत। प्रोफेसर पांडे ने चलते हुए कहा, फिर बोले, सच कहूँ मैं तो भीतर भीतर बहुत डरा हुआ था कि क्या जाने क्या, एक अनोखा अनुभव रहा है। लेकिन मेरी इस काल यंत्र की यात्रा पर कोई विश्वास नहीं करेगा, जरूर करेगा। डॉक्टर गजानन बोले, कौन करेगा? मैं करूँगा प्रोफेसर, क्या यह काफ़ी नहीं? ये है डॉक्टर गजानन, इस काल यात्रा को मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब भी इतिहास पढ़ाऊंगा तो आपके साथ अतीत के सैर में बताते हुए कुछ क्षण याद आएंगे। प्रोफेसर पांडे देर रात अपने होटल के कमरे में वापस लौट गए। छात्रों से सुबह भेंट हुई। उनसे पता चला कि पिछला दिन यात्रा की थकान मिटाने और शहर घूमने में ही व्यतीत हो गया। प्रोफेसर पांडे ने आगे का कार्यक्रम तय किया। चलो ठीक है, आज आगरा फोर्ट चलेंगे, अगले 2 दिन और लगेंगे, उसके बाद सीकरी, ताजमहल, इत्मादुल्ला का मकबरा और सिकंदराबाद, फिर दिल्ली चलेंगे। सॉरी, इसमें इस प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं पूछूंगी सर से कि इसका क्या सही उच्चारण है। कुछ समाचार पत्र पढ़ने की पुरानी आदत थी। उन्होंने पूछा, आज का अखबार है? एक छात्र झपट कर ले आया। प्रोफेसर साहब पर नज़र डाल रहे थे अखबार पर कि बाथरूम में समाचार पढ़कर चौंक पड़े। वह समाचार उन्होंने दोबारा पढ़ा और धीरे से बुदबुदाया, नूर जहाँ का बेशकीमती हार गायब, ऐसा कैसे हो सकता है? वह भी राष्ट्रीय संग्रहालय से? हाँ सर, राष्ट्रीय संग्रहालय से गायब हो गया, पूरी सुरक्षा के बावजूद। सर, ये चोरी करने वाले नहीं जानते कि वे इतिहास की धरोहर चुरा रहे हैं।
नूर जहाँ का हार केवल हीरे मोतियों का हार नहीं, मुगल सल्तनत की एक यादगार भी है, एक छात्र ने कहा। लेकिन प्रोफेसर पांडे को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उन्होंने हड़बड़ा कर कहा, टेलीफोन है? रिसेप्शन पर है सर, किसी छात्र ने कहा। प्रोफेसर पांडे रिसेप्शन की ओर बढ़े। छात्र कुछ समझ नहीं पा रहे थे। नंबर मिलाते ही चिल्लाए, हेलो हेलो। दूसरी ओर शांत सैयद आवाज़ में उत्तर मिला, गजानन, डॉक्टर गजानन, आपने आज का अखबार नहीं पढ़ा? वह नूर जहाँ के कीमती हार की खबर? मैं नवीन पांडे बोल रहा हूँ। डॉक्टर प्रोफेसर खबर पढ़ी और चोर भी पकड़ लिया है, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, कहता है उसने सोचा इतने सारे जेवरों में क्या पता चलेगा। मैंने कहा, फैसला तो अब बादशाह जहांगीर के अनोखा दरबार में ही होगा। सुनकर बहुत हार गया है। पीपल भर जीवन भर चोरी न करने की इसे आवश्यकता, जीवन भर चोरी न करने की कसम खा ली है, कहकर डॉक्टर गजानन हंसे। प्रोफेसर पांडे ने पूछा, तो अब क्या हो? क्या हार आप राष्ट्रीय संग्रहालय से को लौटा रहे हैं? डॉक्टर गजानन बोले, आप इतिहास को भूल रहे हैं प्रोफेसर पांडे। क्या यह हार मैंने राष्ट्रीय संग्रहालय को दिया था? नहीं। तो अगर मैं इसे सीधे राष्ट्रीय संग्रहालय को दे दूंगा तो हार के बीच के इतिहास का क्या होगा? इस हार से हो सकता है कहीं प्यार हुआ हो या षड्यंत्र हुए हो, हम उन घटनाओं को कैसे बदल सकते हैं? ऐसा करने पर इतिहास नहीं बदल जाएगा। तो आप क्या करेंगे? हार को वापस तोशाखाना में रखने के लिए मैं फिर अतीत की यात्रा पर जा रहा हूँ। अभी यह बात आपके और मेरे बीच ही रहनी चाहिए। इतिहास की अमानत को उसी जगह पर रहना ज़रूरी है। बस इतना बताइए कि हार की गैर मौजूदगी के समय में आपको कोई खास घटना या विश्वास याद अंदाज उसका घटना के घटने का अंदेशा। प्रोफेसर अगर हर राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रोफेसर अगर हर राष्ट्रीय संग्रहालय में आ गया तो समझना वह तोशखाना भी उसी जगह वापस आ गया, और यह भी कि मेरी यह अतीत यात्रा सफल रही और मैं सही सलामत हूँ। बॉन वॉयज डॉक्टर गजानन, प्रोफेसर पांडे ने ऊंची आवाज़ में टेलीफोन पर कहा तो छात्र चौंके। एक छात्र ने पूछ लिया, कौन डॉक्टर गजानन? कहीं बाहर जा रहे हैं सर? हाँ, कल मैं उन्हीं के पास था ना, लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। आप लोग तैयार हो? आगरे का किला देखना है आप? हरी आप। तो ये थी एक अद्भुत विज्ञान कथा देवेंद्र मेवाड़ी जी की। मैं आपके लिए ये पढ़ रही हूँ। इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए एक बेहद शानदार पत्रिका है उससे, और कहानी का शीर्षक है अतीत के कुछ पन्ने या इस तरह का कुछ। एक मिनट। आप देवेंद्र मेवाड़ी जी से अगर परिचित ना हो तो वो साहित्य अकादमी विजेता हैं, विज्ञान कथा लेखक हैं, बच्चों को विज्ञान कथाओं की प्रस्तुति करते हैं इस तरह से कि क्या बताएं। लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही मिलनसार, बहुत ही प्रोत्साहन देने वाले इंसान हैं। उनसे मेरी पहली असल मुलाकात अभी भोपाल में हुई आईसेट के कार्यक्रम में। और हाँ, कहानी का शीर्षक है अतीत में एक दिन। अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, लेकिन जब हम दर्द में होते हैं तो अतीत में जाकर उसको बदल देना भी एक अच्छा ख्याल आता है, ये भी एक आइडिया है। बहरहाल, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।